नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मेरे इस YouTube चैनल में सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं आ चुका हूँ एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नई मेडिसिन के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा सेयरली इंटरफार्मे कंपनी के फ्लूटेस्ट 150 टैबलेट से रिलेटेड। और आज की इस वीडियो में इसी मेडिसिन की जानकारी दूंगा, इन्हीं टैबलेट्स की दोस्तों नॉलेज दूंगा और इन्हीं का दोस्तों रिव्यू करूंगा। और इस मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है, कैसे इसको लेना है, कितनी टैबलेट इसकी यूज़ करनी है, इस मेडिसिन को आप एक ही दिन में कितनी बार ले सकते हैं, मेडिसिन किसके साथ लेनी है और दोस्तों ये मेडिसिन कितने दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं, कितने दिन के अंदर रिजल्ट आपको मेडिसिन देगी। और दोस्तों अगर आप इस मेडिसिन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा इसको लेते हैं, तो इसके क्या साइड इफेक्ट आपको देखे जा सकते हैं, क्या इसमें आपको दूसरा आप देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों इस मेडिसिन की क्या MRP है, किस MRP में आपको अवेलेबल मिलेगी मेडिसिन और इसके अंदर क्या कॉम्बिनेशन डाले गए हैं, क्या इसके अंदर साल्ट डाले गए हैं और इस मेडिसिन को यूज़ करने के टाइम क्या आपको इसमें एबिस्टेंस रखना है, क्या आपको इसमें परहेज रखना है, क्या आपको इसमें नहीं खाना है, क्या आपको इसमें अवॉइड करना है, क्या आपको इसमें प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, तो इससे जुड़ी हर जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, वीडियो अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में शेयर भी कर दें, फॉरवर्ड जरूर कर दें। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर्स हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, आप सभी को एक्सप्लेन कर देते हैं जो सेयरली इंटरफार्मे कंपनी की फ्लूटेस्ट 150 टैबलेटें किस लिए बनाई गई, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके यूज़ हैं और कौन कौन सी बीमारी में इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है, किस बीमारी में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं। तो उससे मेडिसिन स्पेसिफिकली बनाई गई है फंगल इन्फेक्शन के लिए, एंटी फंगल में दोस्तों मेडिसिन यूज़ की जाती है। अगर दोस्तों आप किसी भी टाइप के फंगल इन्फेक्शन का देखा जा रहा है, आपको कहीं भी हो रहा है, जैसे आपके प्राइवेट पार्ट पे देखा जा रहा है या आपके दोस्तों थाइस में देखा जा रहा है, आपके स्कैल्प में देखा जा रहा है, आपके फीट्स में देखा जा रहा है, आपके हैंड्स में देखा जा रहा है, या दोस्तों आपके जब बात करूँ स्किन में अगर फंगल इन्फेक्शन जैसे देखा जा रहा है, आपके जैसे माउथ में हो रहा है या आपके थ्रोट में जैसे देखा जा रहा है, या आपके जो फिंगर्स नेल्स हैं, आपके टॉयज नेल्स हैं, अगर उनमें भी जैसे बात कर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसमें भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। जो कि दोस्तों ये अक्यूट कंडीशन में यूज़ की जाती है, अक्यूट डिजीज में यूज़ की जाती है। अगर आपको इसमें से जैसे बात करो 1 वीक से देखी जा रही, 10 डेज से देखी जा रही है, तभी दोस्तों इस मेडिसिन का यूज़ करें। अगर आपके जो समस्या है, जो डिजीज़ है, अगर लंबे समय से देखी जा रही, काफ़ी लॉन्ग टाइम से अगर आप इससे बीमारियाँ हैं, दोस्तों दुखी हैं, तो इसको यूज़ ना करें। दोस्तों ये अक्यूट में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें किस टाइप के इसमें टैबलेट निकलते हैं, जो दोस्तों इस टाइप की इसमें टैबलेट निकलते हैं, जो कि इसमें आपको पूरी स्ट्रिप आती है और इसमें दोस्तों 2 टैबलेट आते हैं एक पत्ते में, और जो कि दोस्तों 12 रुपये की इसकी MRP आती है। और दोस्तों इसको कैसे यूज़ आप कर सकते हैं, कैसे इसको आप ले सकते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, 1 टैबलेट आपको भान निकाल लेना है और इसमें जो है 1 ग्लास आपको इसमें जो है वाटर यूज़ करना है, नॉर्मल वाटर आप यूज़ कर सकते हैं और आप इसको जो है रात को मॉर्निंग टाइम यूज़ कर सकते हैं और इसको एट नाइट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक दिन का गैप आप जरूर रखें, डेली इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और दोस्तों जैसे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है फिर इसको यूज़ ना करें। और अगर आप इस मेडिसिन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा इसको लेते हैं, तो इसमें क्या आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो इसमें आपको जो है स्टोमिक पेन देखा जा सकता है, वॉमिटिंग देखी जा सकती है, या जैसे बात करो आपको नौशिया देखी जा सकती है। और दोस्तों जो ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन जो वुमन प्रेग्नेंट है, जो कि गर्भवती महिलाएं हैं, या दोस्तों जिनको एड्स है, जिनको बात करो HIV हो चुका है, जिनका दोस्तों हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, या दोस्तों जिनकी किडनीज में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो दोस्तों वो इस मेडिसिन को यूज़ करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें और दोस्तों उनसे थोड़ा जो है डिस्कस करेंगे तो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहेगा। और दोस्तों इस मेडिसिन को यूज़ करने के टाइम क्या आपको इसमें एबिस्टेंस रखना है, क्या आपके इसमें परहेज रखना है, तो इसमें दोस्तों अगर आपको स्किन में इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन देखा जा रहा है, रिंगवर्म हो रहे हैं, तो इसमें आपको एक्सेसिव स्पाइसी फूड अवॉइड करना है और सॉल्ट फूड्स आपको अवॉइड करना है। और इसमें आपको जो बात करूँ चटपटी चीज़ें बिल्कुल आपको नहीं खानी, पिकल आपको अवॉइड करना है, एग आपको अवॉइड करना है, चिकन आपको अवॉइड करना है, ब्रिंजल आपको अवॉइड करना है। और दोस्तों अगर आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं तो वो भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। दोस्तों जिनको अल्कोहल जिन्होंने लिया हुआ है तो दोस्तों इस मेडिसिन को नहीं लेना है। तो दोस्तों ये चीज़ आप जरूर फॉलो करें और जो आपको ये प्रॉब्लम देखी जाए इसमें ये परहेज जरूर रखें, तभी दोस्तों आपकी प्रॉब्लम जो है ठीक हो पाएगी। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है, ये मेडिसिन आप कितने दिन तक यूज़ कर सकते हैं, कितने दिन के अंदर रिजल्ट आपको ये मेडिसिन देगी, तो इसको आप जो है 1 वीक तक यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके दोस्तों 1 वीक या फिर 10 डेज में अगर ये प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही है तो फिर दोस्तों डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो दोस्तों मैंने इस मेडिसिन की आप सभी को कंप्लीट नॉलेज दे दी है और पूरी जानकारी दे दी है और आई होप आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अगर चैनल पर नए हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, नए व्यूअर्स, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो मिलते हैं एक और नए मेडिसिन के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। और जो नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं, किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, किस मेडिसिन पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट जरूर करें। और दोस्तों तब तक मुझे जुड़े रहें और हमें सपोर्ट जरूर करें और अपनी फैमिली का ध्यान रखें, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। सो थैंक गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।